एक तरफ तो राजस्थान सरकार महंगाई राहत कैंप लगाकर राजस्थान की जनता को राहत देने की बात कर रही है। राजस्थान की जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री, दुर्घटना बीमा, मुफ्त राशन में अन्य सुविधाएं मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल माह की बिजली के बिल ने आमजन के पसीने निकाल दिए हैं। लोगों का कहना है कि अप्रैल माह में बरसात के कारण मौसम सही रहने से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन बिजली विभाग के बिल में बढ़कर आए फ्यूल चार्ज के कारण लोगों को गर्मी से ज्यादा बिजली के बिल ने पसीने आने लगे हैं। पिछले बिजली के बिलों में फ्यूल चार्ज बहुत ही कम आ रहा था, लेकिन अप्रैल माह में जारी हुए बिजली बिलों ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। जो फ्यूल चार्ज 28.91 रुपए आ रहा था, वो अब कई हजारों तक आ रहा है, जिससे आमजन परेशान है। बिजली विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। वहीं जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड रामगढ़ के राजस्व अधिकारी एनके बुनकर ने बताया कि पिछले आदेशों के अनुसार सर फ्यूल चार्ज 36 किश्तों में किया जाता था, लेकिन 27 अप्रैल 2023 के आदेश क्रमांक 170 के अनुसार जुलाई, अगस्त व सितम्बर 2022 माह में उपयोग की गयी विद्युत यूनिट के 45 पैसे के हिसाब से एक मुश्त वसूल किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की महंगाई राहत कैंपों से लोगों को राहत मिले या ना मिले, लेकिन अप्रैल माह के बिजली बिलों ने आमजन की राहत खत्म कर दी है।